अपना कन्या के लिए करवा चौथ करेगा ना? हम अपना कन्या के लिए करवा चौथ करेंगे कि मेरा कन्या मेरे लिए करवा चौथ करेगा? ये लो 10 रन दौड़ता है। वाह बाबू, तुम लोग रानी का फेवरेट चीज नींबू गारने वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के लगभग 5:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह साइकिल चलाने निकले हैं। साइकिल चलाने के बाद जूस पियेंगे, जूस पीने के बाद आप लोग से बात करते हैं या फिर जूस पीते पीते आप लोग से बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग सब कोई सही सलामत होंगे, खुशी से होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक साइकिल चलाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपसे मिलते हैं। बॉडी वॉडी बनाने आया, इसको आज ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग। और ये उसका दोस्त है, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा ही वाला नाम है अभिषेक नाम है इसका भी। मतलब कि पत्थर फेंको और अभिषेक पे गिरेगा। ये काके इतना अभिषेक है इंडिया में। ये काके डैम का नजारा है सुबह सुबह। बॉडी बिल्डर तुम अपना दिखा दो, गर्लफ्रेंड का फोटो यहाँ नीचे देखिए। मेरी गर्लफ्रेंड हेल करा। तो एक्सरसाइज करने के बाद, इन लोग को ट्रेनिंग देने के बाद आप लोग से मिलते हैं। चल गोलू, पहुंच जाएगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वंस मोर, बहुत सुंदर। चलो 1, 2, 3, 4 मारो, 5, 6 क्या हुआ गौरव? अभी और 2 सेट मारना है तुमको। तब सुशांत, तुम रोज हम लोग का वीडियो देखता है, हॉरर वीडियो, मजा आता है देखने में? डरता है कि नहीं? नहीं डरता है, डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों? लगता। और यहाँ फुटबॉल खेलने आया है? दौड़ने आया था। कितना दौड़ता है तुम इस मैदान का पूरा राउंड में? अभी तो 5 राउंड दौड़ लेता है। वाह, ये लो 10 रन दौड़ता है। वाह बाबू, तुम लोग बहुत अच्छा है, ऐसे ही दौड़ते रहो और झारखंड का नाम रोशन करोगे। फुटबॉल फुटबॉलर बनेगा? नहीं। क्या करना है तुमको? अभी तो नहीं पता। अभी नहीं पता? पढ़ाई करते हो? कौन स्कूल में जाता? ज्ञानोदय में जाता। चलो अच्छा से पढ़ाई करो और एकदम झारखंड का नाम रोशन करना है तुम ही लोग को। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन हो गया है खत्म, अब हम लोग घर जाने वाले हैं। ये लोग का हालत पूरा गंभीर हो गया है, बहुत दिन बाद लगता है एक्सरसाइज किया है। और घर जाने के बाद हम लोग को मूवी देखने भी जाना है, KGF। मूवी देखने के बाद आप लोग को मूवी का रिव्यू भी देंगे। और अभी के लिए बाय, बोलो गौरव। बाय बाय, बोलो कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट जरूर करें, जरूर जरूर। लोगों बात सुन लीजिए और सीरियसली ले लीजिए लोगों का बात को। मिलते हैं KGF मूवी के दौरान। बाय बाय। हम लोग आए हुए हैं KGF देखने। KGF देखने के बाद कहाँ जाना दीजिए? खाने। KGF देखने के बाद खाने जाएंगे। खाना इज इम्पोर्टेंट। KGF मूवी का रिव्यू ये करेगी ये लोग दोनों। हाँ। तो ये लोग का रिव्यू देख लीजिएगा और हम लोग का, हम लोग KGF देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात। आप रिव्यू देखिए, हम लोग KGF देख रहे हैं। KGF देखने के बाद पराना रेस्टोरेंट में, तो हम लोग अपना स्टार्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर चिकन तंदूरी स्टार्ट कर दिए हैं। रानी को डोसा खाना था पर यहाँ डोसा नहीं है। दीदी नान पूछने के लिए वेट कर रही है। तो आप लोग से खा पी के मेन कोर्स आएगा तो दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। स्टार्टर खा के पस्त हो गई है, अभी मेन कोर्स बोल रही नहीं खाएंगे। दीदी स्टार्टर को छुई भी नहीं और सिर्फ मेन कोर्स का वेट कर रही है, बोल रही तंदूरी खाना हमको। हाँ, खाना है तंदूरी की चिकन बटर मसाला। चिकन बटर मसाला। तो हम लोग का मेन कोर्स आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तब तक रानी आराम कर रही है और हम
हम भी वेट कर रहे हैं, भूख लगा हमको बहुत जोर से, स्टार्टर से कुछ नहीं हुआ है। सिंहासन पे बिठा दिया है, अभी लड़ी है एक जन से तो थोड़ा एनर्जी इसका डाउन हो गया है, जहाँ जाती लड़ते रहती है। हम लोग का मेन कोर्स आ गया है, रानी बोली थी नहीं खाएंगे, देखिए ना बोलने के बाद कैसे खाया जाता है, तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए इसीलिए। सबसे ज़्यादा खुशी तो इसको मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, तभी से वेट कर रही थी। तो आप लोग से खा के बात करते हैं, हम लोग खा रहे चिकन बटर मसाला तंदूरी रोटी। तो KGF मूवी देखने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि आके सो गए, अब सो के उठे हैं, शाम हो रहा है और जा रहे हैं हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स। मम्मी को कुछ कुछ सामान खरीदना है और बहुत दिन से मम्मी के साथ शॉपिंग पे नहीं गए हैं, तो मम्मी को लेके जा रहे हैं, अगर उसको कुछ खरीदना होगा तो खरीदेंगे। तो आप लोग तो मिलते हैं हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स में, तो साथ बने रहिए, रिलायंस ट्रेंड्स में क्या क्या शॉपिंग करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग रिलायंस फ्रेश आ चुके हैं, रिलायंस ट्रेंड्स, मम्मी, हम, दीदी और रानी, चारों जन। अब हम लोग जा रहे हैं कपड़ा खरीदने, मम्मी के लिए आज शॉपिंग होगा, वन पीस खरीदने वाली मम्मी, इधर से माँ इधर से, मम्मी के लिए डिजाइनर कपड़ा खरीदा जाएगा। मम्मी आजकल कष्ट में, थोड़ा सा तबीयत मम्मी का डाउन रहता है, तो हम लोग सोचे हैं कि इस मजाक नहीं उड़ा रहे, अच्छे के लिए बोल रहे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं तो थोड़ा तबीयत ठीक होने का आसार नजर आएगा। औरत तो औरत ही होती है, वो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ी, वो थक गई, मम्मी का हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मम्मी सामने जो कुर्ती है कैसा लग रहा तुम्हें, यहीं से बैठ के देख रही है मम्मी, पहले सोच स्कैन कर रही है बार कोड और सोच रही है क्या क्या लेना है, यहाँ से बैठ के क्यों देख रही है मम्मी, पानी ला दे, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है गाइस, पूरा का पूरा पेसमेकर मशीन लगा हुआ है पर काम करने में कोई कमी नहीं। हाँ गाइस, मम्मी पेसमेकर खोल के नहीं दिखा सकती है, बड़ा से बड़ा बीमारी को हंस के टाल देती है मम्मी मेरी। ये ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा, गर्मी के लिए तो अच्छा है। एक मिनट, वैसे तो मम्मी का शॉपिंग कराने के लिए लाए थे, हम बस देख रहे मम्मी बैठी हुई तब तक, और ले लोगे खुद का, समझ रहे सब तुम्हारा, यहाँ पर करवाना था मम्मी को शॉपिंग और ये अपने में भिड़ गए महाराज और मेरे को ले आए उधर, मम्मी शॉपिंग किधर कर रही है, वेट दिखाते हैं, वो देखो मम्मी और दीदी वहाँ पर शॉपिंग कर रही है। दीदी मम्मी के लिए क्या क्या लियो, बहुत कुछ लिया था मेरे पास, आधा रानी के पास। तुम लोग अपने लिए क्या लियो, कुछ नहीं सब मम्मी के लिए, सब तुम ही शॉपिंग किया ठीक ना, हम कुछ नहीं लिए, हम खाली है, आप लोग देख सकते हैं एक हाथ खाली है, ये मेरे से उधार मांग रहा था, हम इसको देने से मना कर दिए इसलिए इसका हाथ खाली, अदरवाइज इतना लेकर के आया था। आप लोग क्या लगता है ये हमको उधार देगी, मैं 300 रुपए लेके बैठा हुआ दे नहीं रहा है, पहले ना मेरा 300 रुपया दो, नहीं मिलेगा तुम्हारा भूत देगा। ये फुलवारी किसके लिए लिया जा रहा है, 12 साल की बच्ची, बच्ची है समझी रानी, हम लोग के लिए बच्ची ही है। मम्मी सेठ जैसा बैठ गई है और ये लोग दोनों सेल्समैन बन गई है, लड़का होना इतना आसान है क्या, थोड़ा शॉपिंग की ये लोग और हमको लाइन में लगा दिया यहाँ पर, तो हम लाइन में लग के ये लोग का बिलिंग कराते उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। कि इतनी तेज हो गई है कि ना तो हमको मोबाइल नंबर डालने दी कैशबैक के लिए, पिछले बार हम 3000 का शॉपिंग किया था पापा का और मोबाइल नंबर अपना डाल के 500 रुपया कैशबैक ये लूटा था, और ना हमको कूपन दी, क्यों दे यार, नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब जेब से मेरा पैसा कटा तो मेरे जेब में वापस आना चाहिए कि नहीं, बात पैसा का नहीं है, बात यहाँ पर है कि तुम पिछले बार लेके क्यों आई, कुछ लगाने के लिए। अच्छा आप लोग से बात करते हैं, फिलहाल लोग से कूपन लूटते हैं, आई थी सिर्फ कपड़ा लेने और अभी देखो कहाँ कहाँ घुमा रही है हमको जबरदस्ती में, भाई तेरे ही खाने के लिए ले रहे हैं, देखो टिफिन देखो इधर सस्ता मिला है, देखो मम्मी को टिफिन सस्ता में मिल गया, लगभग 10-20 रुपया मिला होगा, 390 हमें कितना मिला, 260 में ज्यादा था, नहीं 260 था, हमको अच्छा से याद है, ज्यादा भी नहीं ठगाती हो,
सारा कंटेंट हम लोग का चोरी कर रहे हैं। मम्मी अगर ये व्लॉग नहीं बनाता तो ये कंटेंट अभी कौन कर रहा होता कि मम्मी लोग डज माय मॉम शॉपिंग। बट मम्मी लोग से नहीं सकेगा कोई बार्गेनिंग में। मम्मी लोग डायरेक्ट बोलती है 1500 का सामान को 300 उसके बाद बढ़ा लो जितना बढ़ाना है। क्या ले रही मम्मी? स्क्वीजर, रानी का फेवरेट चीज, नींबू गारने वाला। रानी नींबू गारने चोखा मिसने वाला गिर गया किसी का। चोखा जैसा आदमी के लिए चोखा, नहीं तो क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका क्वालिटी अच्छा है और दाम महंगा है तो तुम मत लो। तुम्हारा पहुंच के बाहर है 300, छोड़ दो। और रीमा तुम लेके रख लो अपना कन्या के लिए करवा चौथ करेगा ना प्लीज। हम अपना कन्या के लिए करवा चौथ करेंगे कि मेरा कन्या मेरे लिए करवा चौथ करेगा। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये तेरे लिए अलग छल बड़ा जालीदार बा तोहार बर्तन। मम्मी मेरी कन्या के लिए कितना सोच रही है। मेरी फ्यूचर कन्या बहुत लकी होगी। गाइस अपने लिए असिस्टेंट रखे, अब शॉपिंग हम कर लिए। मेरा ट्रॉली लेके चल रही है मेरी असिस्टेंट। मम्मी उधर नहीं। हम लोग ये चाकू ले रहे हैं ताकि रानी खाना बना सके। 500 का किसी को इससे हलाल कर दिया जाएगा। हमारा घर में इसका जरूरत नहीं है। ये कितना हमारा घर में मम्मी का बीपी इतना फ्लक्चुएट करता कि बड़ा चाकू हम लोग जानबूझ के नहीं रखते। किसका किसके ऊपर कब चला देगी। बचपन में मेरे ऊपर बेलना चलाती थी और छोलनी चलाती थी और चप्पल तो इतना चला है कि चप्पल भी भुला गया होगा। अब निकलता है बैठ के नीचे से। हाँ बचपन में चला चप्पल जो अभी नीचे से निकलता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर ही रहेंगे सब चीज से। मम्मी बोल रही कि ठंडा फ्री है। मम्मी को ठंडा फ्री चाहिए। सब फ्री है मम्मी, उठा के ले चलो। एक पे एक फ्री है कि कितना फ्री हो तो बाद में पता चलेगा। ऑफर होगा कुछ ना कुछ। नहीं हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, आटा मैगी खोज रही है। तुम अभी तक व्लॉग में 3 बार बोल दिया है। आप देख सकते हैं ये लोग बोला ही वो चॉकलेट वाला। हाँ क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग कितना कितना खादुड़ है। खादुड़ दिन भर खाने का सामान लेती है। देख रहे हैं आई थी कपड़ा लेने और देख के जीभ लप लप आए ना। हेल्थ कॉन्शियस देखो। हेल्थ कॉन्शियस इधर देखिए ये। वो मेरा नहीं है। मम्मी को मीठा मना है और मम्मी माजा पी रही है। कभी कभी चलता है। मैं देखना यहाँ पानी गिरा हुआ। तुमको मीठा मीठा पीना मना है तो तुम माजा क्यों ली? उसका मजा नाम क्यों पड़ा? उसका मजा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसको पीने से मजा आता है। हाँ, इसीलिए ली है। मीठा मना है। कीवी खा रही है लोग। आज तक खाई हो कीवी? इधर दिखा दो, मुंह दिखा दो। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट खा के मुंह से आग फेंकेगी। ड्रैगन फ्रूट खा के तेरे मुँह से आग फेंकोगी क्या? अरे हमको इग्नोर कर रही है। ड्रैगन फ्रूट खा के मुँह से आग फेंकोगी। एडिट कर रहा छपरी एडिटर को हुई। छपरी एडिटर तुम ही की थी। बाद देखो मम्मी मम्मी लोग का चम्मच ले ली। आइसक्रीम खाई गई जबकि आइसक्रीम नहीं ली। अब मम्मी को आलू मना। रानी चुपके से कुछ डाल ले रही है कि बिलिंग कराने समय कम से कम वापस तो कोई नहीं करेगा। ये वो बच्चा है ना जो कि फाड़ भी देगी पैकेट ले जाने के चक्कर में। फाड़ के खाने लग जाएगी। बोली ओ गलती से फाड़ दिए। नहीं 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 अरे छीरानी छी रसगुल्ला नहीं। जब हमारे घर के बगल में होटल ही सब काम नहीं दिखा रहे हैं। दिखा रही है रसगुल्ला नहीं देखी आज तक। आलू भुजिया मत लो, सेव ले लो। ये वाला ये ले लो, बड़ा वाला ले लो। उसमें ऑफर रहेगा कुछ बादाम को पड़ा। मम्मी बैठ के सेल्समैन वाला काम कर रही है। ये छोटे से डस्टबिन। इतना सारा शॉपिंग कर लेता है ना, लेकिन मम्मी को खुशी तब मिलती है ना जब 1500 से ज्यादा की शॉपिंग में फ्री चीनी मिलता है 1 किलो का। वो देख के खुश हो। वही चीनी के लिए मम्मी आई है। बचपन में इतना चीनी खाई कि अभी शुगर हो गया। एक बार चीनी छोड़ के भाग गई। एक बार याद है दीदी, याद है मम्मी चीनी छोड़ के हम लोग चल गए थे तो मम्मी नहीं। ये दीदी का नया घर है।
एक बार याद है हम लोग चीनी छोड़ के, सुनो ना, एक बार चीनी छोड़े थे तो मम्मी बोली थी जाके वापस लेके आओ। आज हमें दो लोग मिले जान पहचान वाले, मतलब सब्सक्राइबर्स। मम्मी को फुचका खाने का मन था, बोली थी घर नहीं जाएंगे जब तक फुचका नहीं खिलाएगा, तो हम लोग फुचका खिला के आप लोग से घर में मिलते हैं। फुचका खाने के बाद घर में मिलते हैं, खा रहे हैं यहाँ पर। तो दिन भर इतना भागा दौड़ी था, पहले सुबह सुबह एक्सरसाइज करने गए, उसके बाद फिर KGF मूवी देखने गए, फिर लंच करने गए, फिर शाम में रिलायंस ट्रेंड्स गए। मतलब आज पढ़ाई तो हुआ नहीं, और रात में आने के बाद पढ़ने का एनर्जी बचा नहीं, तो आने के बाद हम सो गए, मतलब आते के साथ ही सो गए बिना लेट किए। उसके बाद अभी 2 बज रहा है रात के, 2 बजे उठे हैं, और उठने के बाद अभी हम लोग मेरा जो दिन भर का टारगेट था उसको कम्प्लीट करेंगे पढ़ाई में। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि दिन भर का टारगेट बनाइए, ताकि बार बार आपको अपना रूटीन खुद ना तोड़ना पड़े, क्योंकि काम सबको आता है, बीच बीच में आपको उठ के कहीं जाना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि 4 से 5 मेरा पढ़ने का टाइम था, इस समय हम क्या कर रहे हैं, आपको खुद में अंदर में गिल्ट होगा, जो गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खाता जाएगा और आपका पढ़ाई को बर्बाद करता जाएगा। तो दिन भर का टारगेट बनाइए, उस टारगेट को एनी हाउ दिन भर में अचीव कीजिए, कैसे भी करना है, रात में जगना पड़े या फिर दिन में, मतलब कहीं नहीं कुछ भी कीजिए, लेकिन उस टारगेट को अचीव कीजिए, और टारगेट थोड़ा छोटा बनाइएगा ताकि आपको अचीव करने में आसानी हो। स्टार्टिंग के लिए ये है, फिर आप आपका एग्ज़ाम के हिसाब से अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं। और KGF मूवी बहुत अच्छा है, आप जाके उस मूवी को देखिए और देख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को वो मूवी कैसा लगा। जो देख चुके हैं वो भी बताएं कि आप लोग को मूवी कैसा लगा। फिलहाल अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना ढेर सारा प्यार मेरे पे बनाए रखें। तो सबको गुड नाइट, टेक केयर।